water facility. Now I'm going in my capsule and so I put my card into this one and everything opens up. And now this is locked. And you see, this is my capsule. So it's very small, but it's okay na. The cost of this is like $30. $30 like 1500 rupees. So 1500 रुपये मैं पर नाइट का मैंने इसको पे करा है, इस कैप्सूल का. यहाँ पे देखेंगे तो कुछ कुछ कंट्रोल्स हैं यहाँ पे, तो ये दिखा देता हूँ मैं आपको. ये रीडिंग मोड है, ये लाइट्स बंद हो जाती हैं सारी, सब ब्लू हो जाता है. उसके बाद ये स्पेस मोड है, सारी ब्लू लाइट्स बंद हो जाती हैं. देन मिरर, मिरर की लाइट्स स्विच ऑन ऑफ हो जाती हैं. उसके बाद ये मेरा स्लीप मोड है, अगर आपको सोना है इसको दबा दे तो पूरा अंधेरा हो जाएगा. देन डू नॉट डिस्टर्ब, ये मुझे नहीं पता क्या है, शायद बाहर से कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता. देन ये हेडफोन दे रखा है इन्होंने यहाँ पे. उसके बाद ये टीवी का रिमोट है, और ये पीछे इन्होंने टीवी लगा रखा है. टीवी भी लगा हुआ है भाई, अच्छी बात है. पानी और चाय कॉफ़ी की व्यवस्था, पानी और चाय कॉफ़ी की व्यवस्था बाहर है. और बाहर एक छोटा सा फ्रिज है, उसमें आप अपना सामान भी रख सकते हो. तो यही है. और अगर पर मंथ इनका अगर रेंट की बात करें तो पर मंथ इनका जो पैकेज है वो $720 का है. $720 का मतलब है 37, 35 अराउंड 38,000 रुपये के आसपास. अगर आपको एक महीने के लिए रहना है तो ये कैप्सूल आपको 38,000 रुपये महीने रेंट पे मिल जाएगा, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव है. लेकिन हाँ, जिसके पास घर नहीं है, जैसे मेरे पास अभी कोई घर नहीं है, मैं अभी ढूंढ रहा हूँ सिंगापुर में घर, तो उसके लिए ठीक है थोड़ा एडजस्ट करने के लिए. दिन में ऑफिस चले गए, शाम को आके सो गए, तो उस केस में ये थोड़ा ठीक है ऑप्शन.